मीठी, हमें विष्णु ने सब कुछ सच बता दिया है। ये शादी एक झूठ है और इस झूठ को सच बनाना एक बहुत ही बड़ी भूल है। मीठी, विष्णु हमसे प्यार करते हैं और हम भी विष्णु को चाहते हैं, जैसे तुम और आकाश एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक वैसे ही हम और विष्णु। हमें गलत मत समझना, जब तक हम विष्णु के दिल का सच नहीं जानते थे तब तक हम चुप थे, ये सोचकर कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर ये झूठ है मीठी। तुम और हम मिलकर ये खेल रोक सकते हैं। हम घर के बड़ों से बात करेंगे, सब सच सामने रख देंगे। हम जानते हैं हमारी माँ इस बात का विरोध करेंगी कि तुम आकाश के साथ मत लौटो, पर वो समझ ही नहीं रही है कि तुम्हारा दिल भी आकाश के लिए ही रोता है। बेटी प्लीज, रोज रोज झूठ की जिंदगी जीने से बेहतर होगा एक बार हम हिम्मत करके ये सच कह दें। सबसे तुम्हारी मुक्ता। मीठी मुक्ता, मैं वॉशरूम में हूँ, कुछ काम था। एक्चुअली एक बहुत जरूरी काम था। हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। हमें तुमसे ये कहना था। हम तुम्हारे बेड पे कुछ रख के जा रहे हैं, प्लीज देख लेना। ठीक है, बेड के पास रख दो, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारे लहंगे के पास। विष्णु हमसे प्यार करते हैं और हम भी विष्णु को चाहते हैं। उस लावारिस फटीचर विष्णु से मुक्ता को प्यार हो गया। रामी राखी, अच्छे वक्त पर आए हैं हम, वरना ये लड़की तो ठाकुरों के नाम पर काली पोती थी। ना माँ बाप का पता, ना खानदान का। ऐसे भिकमंगे से शादी करेगी क्या हमारी मुक्ता? रामी राखे, ये कभी नहीं होगा। उस फटीचर विष्णु के लिए तो चुईया की बेटी ही ठीक रहेगी, बाकी तो रामी राखे। नानी, आप कब आई? खुश रख, बिल्कुल सही समय पर आई हैं आप। रामी रखे, हम तो हमेशा ही सही वक्त पर ही आते। ये तूने बड़ा अच्छा फैसला किया कि विष्णु से शादी करने की सोची। वो चुहिया मतलब कि तेरी माँ की आत्मा देखकर बहुत खुश होगी। अरे तू दुखी क्यों हो रही है बेटा? ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता,
इस प्यार का जिंदगी में कोई मतलब नहीं होता। बस एक अच्छा सा पति मिल जाए, बच्चे हो जाए, जिंदगी आराम से गुजरे, और क्या चाहिए इंसान को। तुम तो कह रहे हैं कि अब तेरे बुरे दिन लद गए समझ। छोड़िए ना नानी, अब वो मुक्ता आई थी अभी, कह रही थी कि कुछ रखकर जा रही है, आपको पता है? हाँ, वो तेरे लिए ये लाई थी, हमसे खास तौर से कहा था लाने के लिए, ये देखकर गई तेरे लिए। हमसे कहा था उसने बनारस से खास लेकर आए तेरे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा शगुन है। एकदम परी लग रही है तू तो। हाँ, बस अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, ठीक है? बाकी तो राम ही रखे। राम ही रखे। कह दिया आपने मीठी से? हाँ, चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया। अब देखना, सब कुछ ठीक होगा। चिट्ठी? लेकिन चिट्ठी क्यों? आप तो उनसे बात करने गई थी ना? अरे मतलब ये बात हम मीठी से कहते कैसे? इसीलिए चिट्ठी में हमने सब कुछ लिख दिया। अब देखना, वो चिट्ठी पढ़ते ही सबसे पहले हमारे पास आएगी, और फिर अन्नी, पापा, मम्मी सबसे वो सच्चाई कह देगी। हमें पूरा विश्वास है। ओके, ठीक है। मुक्ता, एक बात कहें आपसे। ऐसे फोन पे कहना बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मुक्ता, क्या ऐसा हो सकता है कि आज मंडप में हम दोनों की शादी हो? अंदर आ सकता हूं? चाह रहा हूं वापस आते इसका। सोचा कि आखिरी बार तुमसे मिलकर जाऊं। समझ नहीं आया कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई। खैर छोड़, अगर जिंदगी में लगे कि मेरा प्यार कभी सच्चा था, बस मुझे माफ कर देना। तुम्हारी एक अमानत भी लौटाने आया। जानता तुम इसे नहीं पहनोगी, लेकिन फिर भी एक याद की तरह अपने पास रहने देना।